हाँ मिस बा, खा लिया जस्ट। अच्छा ओके बाय, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। ओके ओके सिस्टर ओके, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा वीनू भाई, तुम्हें पत्नी कहना है। खेल लिए, खेलो। और सुनाओ मिसबा, मुंबई में तो बहुत जोरों की बारिशें हो रही होंगी है ना? बारिश हो रही है लेकिन है अब भी यहाँ। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हो गई। आपसे बात करके लगा मैं पाकिस्तान में किसी से बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप देख लिया करें मेरा चैनल है, चैनल चेक कीजिएगा, ब्लॉग भी देखिएगा। आप अगर मेरे ब्लॉग देखेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अपनापन लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके प्यारे सिस्टर। गर्म है, हाँ बहुत ज़्यादा। जी आप यूपी से हैं ना, तालिब त्यागी? मैं मेरा बीपी लो है 2 दिन से अभी मैं, अरे बाप रे बीपी लो हो रहा है। फिर मिसबा क्या करती हो, नमक पानी पीती हो मेरी जैसे? मेरा भी बहुत जल्दी से हो जाता है बीपी डाउन, बहुत जल्दी। मैं नमक पानी लेती हूँ तो मुझे रिलैक्स हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें ना टेंशन से होती हैं मिसबा, खाना टाइम से ना खाने से होती है मिसबा। दोपहर में पूछा था कि हमारी शबा सिस्टर कब लाइव आएंगी, और शबा सिस्टर हाजिर हो गई है ना बीनू भाई, ऐसे ही है। मुझे अपने लाइव टाइमिंग बता दो। मेरी लाइव टाइमिंग यही होती है सिस्टर, 9 बजे के बाद आप मुझे चेक कर लिया करें, नोटिफिकेशन तो आपके पास ज़रूर आएगा। 9 से 9:30 के बीच मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आ जाऊँ। थैंक यू, आपने पूछा मुझसे अपना वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सिस्टर। हाँ जी यूपी से हूँ जी, हाँ वहीं पे है ना ये। लो विनू भाई, उस वक्त मैं डॉक्टर से वहाँ थी, बताई थी म्यूट था, मैं मैसेज नहीं देख रही थी, बस चालू करके रखी। अच्छा हाँ, नमक शक्कर पानी ही ली। अच्छा मिसबा दीदी, अगर आपका बीपी लो होता है बार बार तो मॉर्निंग में लहसुन खा लिया करो। अच्छा हाँ, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम पे गर्मी है ना। मोइन गिरना मत आप वहाँ पे, इस तरफ आ जाओ आप। मुझे खुद नहीं पता था, आज सबा पी का मैसेज दोपहर में देखी। अच्छा, कान जी ठीक है। ये भी डॉक्टर है पता है मिसबा, चाइना से पढ़ाई कर रही है, कल इनका रिजल्ट आना है। दुआ करो अच्छा आए, बेहतरीन रिजल्ट से अल्लाह इन्हें कामयाब करे। जब स्टडी टाइम होते हैं और रिजल्ट आने का होता है तो रियली इतनी ज़्यादा टेंशन होती है अंदर से, और वो ना घबराहट वाली टेंशन होती है, बहुत घबराहट होती है अंदर से, बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। फिर मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा वक्त दिया मुझे।